नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो यहाँ देखिए, चार लाइनें दी गई हैं। हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, परंतु अपने लक्ष्य के लिए कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। मतलब आपने जो सपने बनाए हैं उनके लिए कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। अगर आप कोशिश करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखें। यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सा भारतीय राज्य को शामिल किए जाने की फैसला किया गया है। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गोवा। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर जो आपका होगा यह आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जबकि राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है, यह सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? तो 2016 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अब आंध्र प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में बने हुए हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1956 ईस्वी में किया गया था और भाषा के आधार पर गठन की बात किस आयोग ने की थी? तो फजल अली आयोग के द्वारा। फजल अली अली आयोग के द्वारा भाषा के आधार पर गठन की बात की गई थी। अगर हम बात करें यही आंध्र प्रदेश के से ही संबंधित, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सातवां बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत का दसवां बड़ा राज्य है। अब यहाँ क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें हो रही हैं और भारत में देखें सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है? तो यह गोवा है। जबकि आबादी के आधार पर सबसे बड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम आबादी भारत के किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। अब आंध्र प्रदेश से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में किया जा रहा है। और अगर हम बात करें, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने ही 13 नए जिले का गठन किया और नया नक्शा जारी किया है। तो अब इसमें टोटल जिले कितने हो गए हैं? तो इसमें टोटल जिले जो हैं मित्रों, यह 30 हो गए हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया, हाल ही में चर्चा में एशिया में सबसे लंबे मल्टीलेयर वायडक्ट के निर्माण के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो यहां देखिए, पहला विकल्प के रूप में भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण, दूसरा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, और चौथा दिया गया भारतीय जीवन बीमा निगम। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग निगम। अब ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जबकि इसके प्रमुख कौन है, इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी जो है वो नेशनल हाईवे के केंद्रीय मंत्री हैं। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44 जो है यह सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। हाल ही में एक प्रश्न सुर्खियों में रहा है कि 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य
पहला राज्य कौन सा है? तो 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य जो है पहला राज्य, ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें यही कुछ महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जो दिए गए हैं, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो राम सेवक शर्मा जी भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं। अगर हम बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का, जिसको शॉर्ट में हम लोग फसाई के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है? तो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का जांच करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। और भारतीय जीवन बीमा का जो स्लोगन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर हम देखें कि हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अटल टनल को किया गया है। और ये कहां पर स्थित है? तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित है। इसकी दूरी कितना है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी दूरी है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? विकल्प के रूप में दोस्तों पहला दिया गया नारायणन कुमार, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा डॉक्टर सिंथिया और चौथा आरके गुप्ता। इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा मित्रों, यह होगा विकल्प नंबर ए, नारायणन कुमार। अब यहां पुरस्कार सम्मान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमको याद रखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम यही बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी के लिए किसे किया गया है? तो हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा। साथ ही साथ अगर हम बात करें अंग्रेजी के लिए तो यह नमिता गोखले। जबकि उर्दू के लिए चंद्रभान ख्याल जी को साहित्य अकादमी 2022 के सम्मान से सम्मानित किया गया। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 56वां ज्ञानपीठ और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में CDS की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फूकन को दिया गया, जबकि 57वां जो है ये दामोदर माउजो को दिया गया। अब यहां एक जापान से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान मुख्य 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, होकाइडो, होन्सू, सिकोकु और क्यूसू। यहां से प्रश्न लगातार बने हुए हैं। एक प्रश्न और भी देख लीजिए यहां कि नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को किया गया, जबकि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सिंथिया को। इनका संबंध किस देश से? USA से है। और 2021 का किसे दिया गया था? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जो कि भारत से संबंधित थी। और आरके गुप्ता जी के बारे में बात करें तो भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरके गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड, चौथा दिया गया है गुजरात। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा हमारा मित्रों, यह होगा विकल्प नंबर सी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड
के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इनके द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की गई और ये किस स्तर तक की जाएगी? प्राइमरी स्तर, प्राइमरी स्तर तक। अब यहां शिक्षा नीति की बात हो रही है तो शिक्षा नीति पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। जैसे भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई? तो 1968 ईस्वी में आई थी। जबकि कितने वर्षों बाद पहला संशोधन किया गया? 34 वर्षों के बाद नया संशोधन किया गया और 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। और यह किसके सिफारिश पर किया गया? के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर। अगर हम बात करें जो शिक्षा है, ये शिक्षा पहले किस विषय की सूची थी? तो शिक्षा जो है, शिक्षा पहले संघ सूची का विषय था और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची का विषय किया गया। अगर हम बात करें 89वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो 89वां संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद 21 के का फंडामेंटल राइट से संबंधित है और इसी 89वां संविधान संशोधन 2003 के आधार पर ही 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये सारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहां से लगातार प्रश्न बने हुए। अब उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम याद रखना है आपको, ऋतु खंडूरी। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे कम उम्र का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है राहुल नार्वेकर। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है ये महाराष्ट्र राज्य से है। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में आगे देखें। अगला है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो यहां देखिए विकल्प दिया गया है आर अश्विन, दूसरा दिया गया है मोहम्मद शमी, तीसरा दिया गया है अजीत अगरकर, चौथा दिया गया है रोहित शर्मा। तो यहां जो सही आपका विकल्प होगा मोहम्मद शमी। हाल ही में इंग्लैंड और भारत के बीच में जो सीरीज खेली जा रही है उसमें मोहम्मद शमी ने 31 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए और ये 3 विकेट प्राप्त करने से ही मात्र 80 मैचों में इन्होंने सबसे तेज 150 विकेट प्राप्त कर लिए। और इससे पहले या रिकॉर्ड किसके पास था? तो यह रिकॉर्ड इसके पहले अजीत अगरकर जी के पास था। अब यहां पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से संबंधित अगर कुछ चीजें हम जाने जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी स्थापना जो है 1928 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सौरभ गांगुली जी जो है इसके अध्यक्ष हैं और सचिव कौन है? तो अमित शाह के पुत्र जय शाह जो हैं ये कौन है? ये बीसीसीआई के सचिव हैं। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो शाहिद अफरीदी इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। जबकि महिला के रूप में बात करें तो स्मृति मंधाना को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो जो रूट को चुना गया है।
ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा औषधि महानियंत्रक ने किस रोग के लिए पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पैपियोलोमा वायरस वैक्सीन का मंजूरी प्रदान किया है? मानव पैपियोलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। अब यहां देखो, पहला दिया गया टीबी, दूसरा सर्वाइकल कैंसर, तीसरा रेबीज, चौथा एड्स। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे पहले स्वदेशी विकसित मानव पैपिलियो लोमा वायरस वैक्सीन का मंजूरी प्रदान किया गया है। अब यह किस संस्थान के द्वारा बनाया जाएगा? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा यह बनाया जाएगा। अब यहां से रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अगर हम बात करें कैंसर की ही, तो कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? तो कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि जो है वो कैंसर कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी टर्म से संबोधित किया जाता है, या कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें यही टीबी के बारे में, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी, और ये किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम बात करें रेबीज की, तो यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इससे फोबिया हो जाता है, जैसे पानी से हाइड्रोफोबिया। अब इसी तरह से एड्स जो है, ये भी वायरस से होने वाला रोग है, और एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका के लिए टेस्ट किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, एलिसा टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो एलिसा टेस्ट का संबंध जो है ये एड्स रोग से है। एड्स का फुल फॉर्म फिर से आप लोग मित्रों देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, जैसे अगर हम बात करें प्रतिवर्ष टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को प्रतिवर्ष टीबी दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? अब देखिए यहां दिया गया अवधेश कौशल, दूसरा मोहम्मद इनामुल हक, तीसरा दिया गया सिंजो आबे, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो सही प्रश्न आपका विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए अवधेश कौशल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध क्या था? ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इनको 1986 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब अन्य जो विकल्प में दिए गए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, जैसे मोहम्मद इनामुल हक। अगर इनकी बात करें तो इनका संबंध बांग्लादेश से है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और एसडीजी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को पुरस्कृत किया गया है। अगर हम बात करें ये इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये इतिहासकार और पुरातत्वविद थे, और इन्होंने मूर्ति कला में साथ ही साथ इन्होंने टेराकोटा में अत्यधिक सराहनीय कार्य किया था, और इनका संबंध जो रहा है वो बांग्लादेश से रहा है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण के रूप में देखें सिंजो आबे जी का, जिनका हाल ही में रैली के दौरान हत्या कर दी गई, इनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों में द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित जो 2021 में सिंजो आबे जी को किया गया था, और ये पद्म विभूषण 2021 में पाने वाले एकमात्र विदेशी थे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहां दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा I2 U2 का संबंध किससे है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं में यह जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां दिया गया है चार देशों का समूह, दूसरा अंतरिक्ष मिशन, तीसरा सम्मेलन, चौथा दिया गया युद्धाभ्यास। अब यहां आपको याद रखना है ये जो विकल्प सही होगा इसमें, ये सही होगा चार देशों का समूह है। अब दोस्तों हम यहां जाने कि I2 और U2 का किन देशों से संबंध है। अगर बात करें I2 के बारे में तो पहला इंडिया है और दूसरा इज़राइल है। जबकि U2 में बात करें तो पहला USA है और दूसरा UAE है। इन चार देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम I2 U2 है। अब इसका पहला चर्चा में इस कारण है क्योंकि इसकी पहली बैठक 14 जुलाई आज ही के दिन इसका वर्चुअल मोड में इसका पहली बैठक की जाएगी। अब यहां सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम रिकॉल कर लें जहां से गलती होने के चांस कम होंगे, जैसे अगर बात करें हम दोस्तों G7 की हाल ही में कहां पर सम्मेलन बुलाया गया, तो इसका जो है G7 हाल ही में जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें ही बिम्सटेक का सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें G20 देशों का हाल ही में 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो 2022 का इंडोनेशिया में किया गया, जबकि 2021 का इटली में किया गया था। और अगर हम बात करें G20 2023 का सम्मेलन का बैठक कहां किया जाएगा, तो पहली बार भारत में किया जाएगा और भारत के जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक 47वीं बैठक बुलाई गई, इसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। अब हम बात करें कि हाल ही में क्वाड देशों का भी सम्मेलन बुलाया गया, तो ये चौथा था, तो इसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन जापान में किया गया। क्वाड देश कौन कौन से हैं मित्रों, तो इसमें इंडिया है और आपका USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2007 में शिंजो आबे जी के द्वारा क्वाड देशों की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें यहां क्वाड की चौथी बैठक जापान में, तो पांचवी का आयोजन कहां किया जाएगा, तो पांचवी बैठक ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये सारे आयोजन स्थल हैं, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहां किया गया था, तो ये ग्लासगो में किया गया था। और कॉप 27 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये मिस्र में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला हाल ही में चर्चा में रहा फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पहला देखिए अमित शाह दिया गया है, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा दिया गया रामनाथ सिंह। अब यहां पर जो सही आपका विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, पीयूष गोयल जी द्वारा इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया। अब यहां हरियाणा से संबंधित अगर हम प्रश्न देखें, हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी में किया गया था। अगर बात करें हरियाणा के किस स्थल पर, तो पंचकुला में इसका आयोजन किया गया। आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम का भी आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। अगर हम बात करें ही फैशन प्रौद्योगिकी, तो पीयूष गोयल जी से संबंधित एक प्रश्न आपको याद रखना है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर देखें, अनुसंधान के रूप में या संस्थान के रूप में, तो आपको याद रखना है कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो हरियाणा के झज्जर में स्थित है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। अगर हम बात करें तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो राजमुंद्री में स्थित है। अगर बात करें आलू
आलू अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इसी प्रकार से सुगर, दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कानपुर में। जबकि विष अनुसंधान संस्थान और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में जून माह के लिए पुरुष श्रेणी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला देखिए, यहां दिया गया है पहला जो रूट, दूसरा शाहिद अफरीदी, तीसरा मेरी जान, चौथा दिया गया है जानी वेरेस्टो। यहां जो सही आपका विकल्प होगा पुरुष के रूप में, विकल्प नंबर डी सही होगा, जानी वेरेस्टो। जानी वेरेस्टो को जून माह के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध जो है ये इंग्लैंड, इंग्लैंड से है। अगर बात करें पुरुष श्रेणी में इनको चुना गया है, तो महिला श्रेणी में किसे चुना गया है? तो मेरी जान, जिनका संबंध साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से है, इनको फीमेल के रूप में मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अब यहां से एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1909 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मित्रों ये दुबई में है, दुबई में है। और इसके प्रमुख कौन है? जॉर्ज वर्कले जो है इसके प्रमुख हैं। अगर हम बात करें यही आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहिद अफरीदी को चुना गया है, जबकि महिला के रूप में भारतीय स्मृति मंधाना को चुना गया है। जबकि यही आपको याद रखना है बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू। और अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे चुना गया है? तो करणम मल्लेश्वरी को। और अगर हम बात करें यही एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो पीआर श्रीजेश को चुना गया है। और टेस्ट के लिए जो रूट को चुना गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को कहा जाता है। और विजडन खिलाड़ियों में कितने लोगों को 2022 के लिए चुना गया है? तो 2022 के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिसमें से 2 भारतीय हैं। कौन है? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। और साहित और डेन वार्न जो हैं साउथ अफ्रीका की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो कि विजडन खिलाड़ियों के रूप में चुनी गई हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की ये जो सीरीज है और स्टैटिक करंट के साथ, स्टैटिक जीके के साथ यही समाप्त होती है। और पुनः आपको 2 शब्द के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो सफल हो जाते हैं। मतलब हमको निरंतर प्रयास करते रहना है और हम सफल होके ही रहेंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का और अपने माता पिता का खूब आदर सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।